here with reporter Kartik Vishnu Singh and cameraman Rachit. So, as we can see the effect of corona, which are so evident in and around us, let's grab some real experiences. I am here in Sector 14, Dwarka, covering an area which is corona-free up till now, thanks to its citizens who have been maintaining all the precautions and norms which needs to be followed. But nevertheless, the grips and clutches of corona haven't spared anyone. So, as we know that the WHO has considered this disease the second deadliest disease after the Spanish flu. Here, just to give a glimpse of impact of corona in our daily life, this lockdown affected our economy, which has been resulted in GDP dropping to 4.2% in financial year 2020. In this lockdown, all international interstate flights were suspended, all state borders were sealed, all school, colleges, malls, shopping complexes, halls, cinema halls were closed. This affected our social life, education system and all. So, चलिए अब हम आपको एक बच्चे से मिलाते हैं और पूछते हैं उससे कि इसका उसको क्या कहना है इन सब के बारे में, वो क्या चाहता है और क्या करना चाहेंगे वो. आपका नाम? मेरा नाम रुदान सिंह है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ. अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप अपने स्कूल, फ्रेंड्स और बाहर का घूमना फिरना सब मिस कर रहे हैं? मैं सब कुछ मिस कर रहा हूँ, बाहर का खाना, बाहर की चीजें और बाहर की सारी चीजें और स्कूल भी, अपने फ्रेंड्स भी, स्कूल सबसे ज्यादा कर रहा हूँ. और मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है क्योंकि मीटिंग भी अभी मोबाइल में हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई है. मैं चाहता हूँ कि स्लोली स्लोली कोरोना वायरस चला जाए, पर जल्दी जाए. और कोरोना की वैक्सीन अभी अगस्त में ही निकल जाए. अच्छा, तो ये चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी आए और कोरोना का इलाज जल्दी से हो. चलिए अब आपको एक व्यक्ति से मिलाते हैं और पूछते हैं उनका क्या कहना है. आपका नाम? जी विष्णु कुमार. अच्छा, आप क्या करते हैं? BSS में जॉब करता हूँ. अच्छा, तो आपको क्या कहना है इस कोरोना के बारे में और इस पे आपका आपके काम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है, पर काम कैसे अलग हो गया? काम पे तो इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ा है इस क्वार्टर में, जब से लॉकडाउन हुआ है. हमारा बिजनेस केवल 50% हुआ इस क्वार्टर में, इवन वी आर गेटिंग 50% ऑफ आवर सैलरी. और काम भी बहुत इफेक्ट हुआ है क्योंकि सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग पार्शली टीम हमारे प्रेजेंस होती है और पार्शल टीम के साथ वही काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमको सारी दिल्ली में सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई मेंटेन करनी होती है, तो पार्शली टीम आती है तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं. और कोशिश यही है और हम लोग प्रार्थना भी यही करते हैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन आए और पॉजिटिवली उसके इफेक्ट उन लोगों के ऊपर, ताकि जो हमारी पहले लाइफ थी उसी लाइफ पे हमारा जो भी बिजनेस है, हम लोग की लाइफ है, बार बार का स्टाइल है, सारा कुछ ट्रैक पे वापस आए बस. अच्छा, तो मैं भी ये चाहता हूँ, ये व्यक्ति भी चाहते हैं, ये बच्चे भी यही चाहते हैं और सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन आए, उसका इलाज हो और जल्दी से जैसे हम छः महीने पहले अपनी लाइफ को जी रहे थे वैसे ही हम जिए और सब कुछ सही हो जाए. मैं रिपोर्टर कार्तिक विष्णु सिंह, कैमरामैन रचित के साथ, स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम आज तक. थैंक यू.